समय हमें दिगंबर जैन मंदिर जवाहर नगर, हम सबका प्रिय जैन मंदिर, बहुत अच्छा, बहुत ही यानी मंदिर में तो कहीं पर भी आप जाएंगे बहुत शांति मिलेगी, बहुत सुकून मिलेगा। इसलिए हम सबको बोलते हैं सबको मंदिर जाना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों की हमें आदत डालनी पड़ेगी कि उठते ही सबसे पहला काम मंदिर, उसके बाद दूसरा काम। तो अब अंदर का दृश्य आपको दिखाते हैं कि आज अनंत चौदस जो सबसे बड़ा दिन होता है हर धर्म के व्यक्ति के लिए, अनंत चौदस, अनंत चतुर्दशी, मतलब जितनी भी चौदस आती है उनमें सबसे बड़ी चौदस। तो आज क्या माहौल है अंदर का देखना चाहेंगे, तो आइए अंदर चलते हैं। ये अंदर का दृश्य नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयनियानं नमो वैध्यायानं नमो दुरै सर्वैशाकुन भगवान जी को हम लोग ऊपर आज चौदस के दिन जो पूजा होने वाली है वहाँ पर बहुत सारे लोग आज अपार जन समुदाय यहाँ पर आए हुए हैं और भगवान जी को ऊपर विराजमान करेंगे और लेके जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, बहुत ही खुशी का दिन और बहुत ही आनंद आ रहा है आज मंदिर के अंदर सभी को। जय हो। की जय। जय हो। जय हो। की जय। नाथ भगवान की जय। अहं पुराण पुरुषोत्तम पावनानि वस्तु जूननम फिलान में जल केवल पुण्यम समग्रमेक नित्यं व्रतं
ये थे जवाहरनगर जैन मंदिर का सुंदर दृश्य और बहुत आनंद आ रहा है, बहुत ज़बरदस्त आनंद जिसके लिए शब्द नहीं होते। यानी आपको अपने वैवाहिक समारोह में जो अपने घर में शादी होती है जो आनंद आता है वो यहाँ पर आनंद चौदस के दिन मंदिर में आता है। और असली आनंद की हर व्यक्ति भक्ति में डूबा हुआ और जैन समाज के हर व्यक्ति के मन में होता है कि आज तो मुझे सुबह उठते ही मंदिर जाना है, भगवान के अभिषेक करने, पूजा अर्चना करनी है, उसके बाद मेरे दिन की शुरुआत होगी। तो दोस्तों आज आनंद चौदस के दिन आप सभी को चतुर्दशी की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाई, सबके घरों में खुशी आए,
सभी लोग निरोगी बने। और कोरोना के बाद का जो टाइम आया है, आज कोरोना जब चालू हुआ था 1.5 साल पहले, पिछले साल हम लोग अनंत चौदश मना नहीं पाए थे धूमधाम से, लेकिन आज कोरोना को हरा करके हम सब लोग एक साथ वापस मंदिर में इकट्ठे हैं और खूब धूमधाम से पूजा कर रहे हैं। धन्यवाद, आगे भी मिलते रहेंगे। ज़्यादा जानकारी चाहते हैं मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, आपको एक से एक शानदार हिंदुस्तान के सभी मंदिरों की वीडियोज़ और जानकारियाँ मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।